वैसे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसरपी ट्रेड माउसपैड के बारे में। वैल ये जो माउसपैड है अपने आप में खास इसलिए कि दोस्तों ये जो फ्रेंचाइजी है, एक हमारी सीरीज है एलियन वर्ल्ड प्रीडेटर वर्सेस एलियंस, उस मूवी से जुड़ा हुआ है। तो और इसका जो आर्ट वर्क है माउसपैड का वो अपने आप में स्पेशल है। इसके जैसे जो सीरीज है माउसपैड की वो और कोई दूसरी नहीं है, जिसके अंदर आपको जो ग्राफिक्स है वो इतने इंटेंस टाइप के मिले गेमिंग स्टाइल में। तो दोस्तों फिर हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वेल लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वेल दोस्तों ये है हमारा एसर प्रीडेटर का माउसपैड। अब इस माउसपैड की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका जो बॉक्स है वो काफ़ी शाइनी टाइप का आता है। इसकी जो पैकेजिंग है वो थोड़ी प्रीमियम टाइप की नज़र आती है। इसमें साइड में आपको तीन जो अलग अलग तरह के माउस पैड्स आते हैं इस वर्जन में अवेलेबल है मीडियम साइज़ में, वो आपको दे रखे हैं। और ये जो प्रोडक्ट है एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, ये सारी की सारी कंट्रीज़ में एक ही जैसा आता है, जिस वजह से इसमें कई भाषाओं में इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसकी जो प्राइसिंग इस डिब्बे में पड़ी हुई है वो लगभग 1600 रुपये के आसपास है। आप समझ सकते हो जो ब्रांड है वो अपनी ब्रांडिंग का पूरा पूरा फायदा उठा रहा है ब्रांड नेम का। और जो हमारा वर्जन है आइस टनल है, इस वजह से इस पर जो आगे की तरफ एक तरफ इस पर आइस टनल वाला वर्जन बना हुआ है, दूसरा आप देखोगे तो जंगल जो जंगल वाला वर्जन है वो वाला बना हुआ है। और साइड में इसमें जो तीसरा इसका एक जनरलाइज वर्जन आता है वो वाला दे रखे हैं। मेरे वाला वर्जन आइस टनल है इसलिए उन्होंने इस पर सिल्वर कलर की डॉट लगा रखी है। अब इसकी जो पैकेजिंग है इसमें मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी है कि आप इतना महंगा प्रोडक्ट लेने के बाद भी आपको कोई भी इसमें स्टिकर वगैरह नहीं मिलता है या फिर कोई कीचेन वगैरह नहीं मिलती है प्रीडेटर की तरफ से, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। अब हम दोस्तों अगर आगे बढ़ें तो माउसपैड हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है और आपको वीडियो शॉट में और अच्छी तरीके से दिख जाएगा। इसकी जो मोटाई है माउसपैड की वो 3 mm की है। जो मोटाई है माउसपैड की वो लोग जो अच्छे खासे माउसपैड आते हैं उनके बराबर है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें स्टील सीरीज़ के माउसपैड के साथ तो आप देख सकते हो जो स्टील सीरीज़ का माउसपैड है वो काफ़ी पतला है, क्योंकि उसकी जो मोटाई है वो 2 mm ही है लगभग। और स्टील सीरीज़ का जो माउसपैड है वो हमारा कंट्रोल टाइप का माउसपैड है। कहने का मतलब ये है आप उस पर चाहे लेफ्ट में माउस को मूव करो या फिर अप डाउन करो आपको एक ही जैसा फ्रिक्शन महसूस होगा। पर हमारा जो एसर प्रीडेटर माउसपैड है वो एक फ्रिक्शनल, वो एक हमारा स्पीड टाइप माउस पैड है। कहने का मतलब ये जब आप हॉरिजॉन्टल उसमें माउस को मूव करोगे तो बहुत तेज़ी से आपका माउस मूव करेगा, आपको कम रेजिस्टेंस महसूस होगा। अब दोस्तों हम बात करें जो एसर प्रीडेटर का माउस पैड है एक प्रीमियम गेमिंग माउस पैड है, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही कम मार्केट में बिकता है। बट जो लोग शौकीन हैं या फिर जिन लोगों को जो ग्राफिक्स पसंद है या फिर उस मूवी से जुड़े हुए हैं या फिर प्रीडेटर जो सीरीज़ है उसे ज़्यादा लगाव रखते हैं या फिर एंथुसियास्ट जो होते हैं गेमिंग के फील्ड में और उन्हें इस सीरीज़ से प्यार है प्रीडेटर की, वो इसे कलेक्शन के रूप में रखते हैं। ये एक नॉर्मल टाइप का माउसपैड नहीं है जो हर बंदे के लिए करे, क्योंकि आप समझ सकते हो 800 रुपये 900 रुपये 1000 रुपये जो माउसपैड में डालने का मतलब होता है आप एक शौकीन बंदे हो, इस वजह से आप उस चीज़ को ले रहे हो। वरना बाकी आपके जो माउसपैड हैं वो आपको बहुत ईजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे इसी क्वालिटी के। और दोस्तों अगर हम बात करें इसका जो लोगो है एसर प्रीडेटर, ये रात में ग्लो करता है। और उसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो में जो सिर्फ प्रीडेटर लोगो है वो इसका ग्लो करता है, जो हमें राइट हैंड लोअर साइड में देखने को मिलता है एसर का लोगो वो ग्लो नहीं करेगा। जो हमारा अपर साइड लेफ्ट हैंड अपर साइड में जो प्रीडेटर का लोगो है वही ग्लो करता है। ये जो चीज़ है ये मूवी से ली गई है, जैसे कि मूवी में इसका जो खून होता है एलियंस का वो ग्लो करता है या फिर जो एलियन किलर्स होते हैं दूसरे वाले उनका भी जो खून है वो ग्लो करता है मूवी के अंदर। तो मैं आपसे लोगों से जैसा कह रहा था ये उसी चीज़ को जोड़ के बनाया गया है माउस पैड को। अब इस माउस पैड की कुछ ख़राब बातें जो मुझे नज़र आई हैं वो इस तरीके से हैं कि इस माउस पैड में आपको जो चारों तरफ स्टिचिंग देखने को नहीं मिलती है, बट अगर आप इसके कॉर्नर्स को ध्यान से देखो तो जो हमारे प्रीडेटर के जैसे मूवी में जो उनको उन्होंने सिंबल यूज़ करे हैं या फिर जो आप कह सकते हो जो एजी टाइप के लुक्स होते हैं वो आपको इस माउस पैड के कॉर्नर्स पे देखने को मिल जाएंगे। इसी वजह से इसका जो शेप है वो कुछ यूनिक टाइप का है। और इस माउस पैड की अच्छी बात यह है कि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है लेकिन इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो अगर आप शूटिंग गेम्स बहुत ही फास्ट तरीके से खेलना पसंद करते हो तो आपको उसमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। इसकी जो एजेस है उस पर स्टिचिंग ना होने की वजह से बहुत लोगों को ये माउस पैड दिमाग से उतर जाता है, क्योंकि आप इतनी कीमत पे करने के बाद आप चाहते हो कि उस पर स्टिचिंग मिले। पर दोस्तों ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कि जो प्रीमियम गेमिंग माउसपैड आते हैं इन्हें इस तरीके से बनाया जाता है। जो नीचे वाला स्टील सीरीज वाला माउसपैड आप देख रहे हो दोस्तों उसको मैंने लगभग 8-9 बार अब तक धो चुका हूँ और 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, उसका एक भी धागा बाहर नहीं निकला है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इस वाले एसर प्रीडेटर सीरीज़ के माउसपैड की, इसको सिर्फ मैंने एक ही बार वॉश करा है और कोई भी धागे इसके नहीं निकले हैं। जो लोकल कंपनीज़ के आपके माउसपैड आते हैं उनके धागे बहुत जल्दी निकलते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा था ये जो माउसपैड है स्टील सीरीज़ का ये हमारा कंट्रोल टाइप है और ये जो माउसपैड है हमारा एसर प्रीडेटर ये हमारा स्पीड टाइप माउसपैड है। हाँ दोस्तों अगर आप इन माउसपैड्स को लेना चाहते हो तो लिंक मैंने इनकी नीचे दे रखी है और एक जो बजट माउसपैड है 300 रुपये का वो भी मैंने नीचे दे रखा है, आप चाहते हो वहाँ से इन्हें परचेज कर सकते हो। वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। Cheers!